24 का लोकसभा का चुनाव नजदीक आने को है। लगातार चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इसके साथ साथ वाराणसी का चुनाव काफी दिलचस्प होने के साथ साथ टक्कर का मुकाबला देने आ रही है हिमांगी सखी। जी हाँ, विस्तार से पूरी खबर बताएंगे कौन है हिमांगी सखी, जिन्होंने वाराणसी से मोदी के सामने मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरने की ठानी है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीरों में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये है हिमांगी सखी। जी हाँ, यही वाराणसी से यानी मोदी के संसदीय क्षेत्र से मोदी जी को चुनौती देने आ रही है लोकसभा चुनाव में। इसके साथ साथ वाराणसी में दिलचस्प होगा मुकाबला 24 के चुनाव को लेकर। एक तरफ विपक्षी नेता कमर कस चुके हैं, इसके साथ साथ तमाम तरीके के आंदोलन प्रदर्शन आपको देश भर में देखने के लिए मिलेंगे। कहीं बहुजन समाज धरना दे रहे हैं, पिछड़े समाज के लोग धरने पर बैठे हैं, और अब तो क्षत्रिय समाज यानी राजपूत समाज ने भी मोदी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है कि हम मोदी सरकार को 24 में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। सोचिए, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री 400 पार का आंकड़ा पार करने की बात कह रहे हैं, और दूसरी ओर उनका जो कांटे की टक्कर है वो तमाम मजबूत लोगों के साथ है। सोचिए, वाराणसी का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, और हिमांगी सखी जो है मोदी सरकार को चुनौती देने मैदान में आ रही हैं। इसके साथ साथ मोदी सरकार के लिए, इनफैक्ट मोदी जी के लिए अपनी ही संसदीय सीट को बचाना मुश्किल दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आखिर मोदी को टक्कर देने के लिए किस पार्टी ने हिमांगी सखी को टिकट देकर मैदान में मोदी के सामने मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से मोदी सरकार की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। लोकसभा इलेक्शन 2024 वाराणसी में दिलचस्प होगा मुकाबला। पीएम मोदी के सामने महामंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी लड़ेंगी चुनाव। किस पार्टी ने बनाया प्रत्याशी? लोकसभा चुनाव में किन्नर हिमांगी सखी पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उन्हें वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। बताया जा रहा है 10 अप्रैल को वाराणसी आकर अपने प्रचार अभियान का आगाज कर सकती है हिमांगी सखी। दुनिया की पहली किन्नर महामंडलेश्वर है जो भगवान कृष्ण की भक्त है। हिमांगी सखी दुनिया की पहली किन्नर है जो भगवान कृष्ण की भक्त के साथ साथ 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली पहली किन्नर है, जिसके जो लगातार किन्नर समाज के समान अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं और मैदान में उतरी। हिमांगी सखी ने बताया कि किन्नरों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए वो लोकसभा चुनाव में उतरी हैं। उनकी मांग है किन्नर समाज के लिए नौकरियां और लोकसभा विधानसभा पंचायत चुनावों में सीटें आरक्षित की जाए, ताकि उनका प्रतिनिधित्व सदनों में भी हो सके और उनकी मांगों पर भी विचार किया जा सके। सोचिए, हिंदू महासभा की लोकसभा लिस्ट आ चुकी है, जिसमें वाराणसी की कैंडिडेट हैं हिमांगी सखी, जो मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 वाराणसी में दिलचस्प होगा मुकाबला। पीएम मोदी के सामने किन्नर हिमांगी सखी लड़ेंगी चुनाव। इस पार्टी ने, सोचिए, मैदान में उतारा, इसका मतलब मोदी सरकार के लिए 24 का जो चुनाव है वो एक तरीके से उनकी गले की हड्डी बना हुआ है। और जो कह रहे हैं बार बार कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, उनके लिए लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो जीतने के लिए काफी ज्यादा कठिनाई भरा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस लोकसभा सीट से पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी चुनाव लड़ेंगी। 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। इसके साथ साथ तमाम लोग सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि भी कर रहे हैं कि मोदी सरकार के सामने कैंडिडेट जो उतारा है वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिमांगी सखी को मैदान में उतार कर मोदी सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। सोचिए, जब आज़ादी के 75 साल बाद भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, और ऐसे में किन्नर समाज भी अपना अधिकार मांग रहा है, मोदी सरकार 10 साल में अपने वादों पर
खरी नहीं उतर पाई। आप देखेंगे देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब तो क्षत्रिय समाज भी कह रहा है कि हम मोदी को सीधा सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, 24 में दोबारा हमें बीजेपी सत्ता में नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से पहली बार किन्नर हिमांगी सखी चुनाव लड़ने आ रही है। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री के खिलाफ इन तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रही हैं हिमांगी सखी, ये चुनाव लड़ने के लिए विगुल बजा चुकी हैं और मोदी सरकार के लिए अपनी ही सीट पे चुनाव लड़ना चुनौती भरा साबित होने वाला है कि आखिर मोदी जी क्या अपनी संसदीय सीट बचा पाएंगे कि नहीं। पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ेंगी देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। इसके साथ साथ तमाम लोग जो हैं वो मोदी सरकार को 400 पार की सीट जीतने का भी दावा जो है वो खोखला बता रहे हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री मंचों से कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, जबकि जनता कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार सीधा सत्ता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी चुनाव लड़ेंगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिमांगी सखी को वाराणसी संसदीय सीट से टिकट दिए। 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली किन्नरों के समान अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हिमांगी सखी जो है वो मैदान में उतरी है। और सोचिए पूरे बीजेपी में खलबली मच चुकी है, किस तरीके से मोदी जी के लिए गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है 24 का चुनाव। इसके साथ साथ तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार नहीं, बल्कि इस बार मोदी सरकार जो है वो फ्लॉप साबित होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी ओर राजपूत समाज ने बीजेपी के खिलाफ विगुल बजा दिया है। सोचिए देश भर में राजपूत समाज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। राजपूत समाज का अपमान नहीं सहेगा भारत, इस तरीके के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये खबरें जो हैं लगातार तैर रही हैं, लेकिन टीवी अखबार आपको बीजेपी की 400 पार बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई देगा कि किस तरीके से जनता नाराज है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ राजपूत समाज ने भी बगावत कर दी और अब बनारस की सीट भी मोदी जी के लिए जीतना काफी ज्यादा मुश्किल और चुनौती भरा दिखाई दे रहा है। आखिर 24 के चुनाव में मोदी जी का क्या होगा? 10 साल बेमिसाल नहीं बल्कि 10 साल उनके लिए किस तरीके से फेल साबित हुए और जनता के लिए काल बन चुके हैं, अमृत काल की पोल खुल चुकी है। देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देखने के साथ साथ अब उनके लिए उन्हीं की सीट बचाना मुश्किल होता जा रहा है। सोचिए राजपूत समाज जो है वो अपनी राजनीतिक अपमान को नहीं सहेगा। देश की आबादी से अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने हमें इतना लायक भी नहीं समझा कि जिस हरियाणा प्रदेश में राजपूत समाज की संख्या 8-12% उस समाज के एक सदस्य को टिकट देकर लोकसभा राज्यसभा भेजा जाए। सोचिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन लगातार बीजेपी जो है वो ST SC OBC की बात तो करती है, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आती है तो वो सबसे पहले उसी समाज का बहिष्कार करती है। लेकिन अब राजपूत समाज ने भी बीजेपी का पूरे तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर दिया। इसके साथ साथ देश की पहली महामंडलेश्वर ट्रांसजेंडर महिला हिमांगी सखी जो है मोदी को टक्कर देने मैदान में आ गई है। मोदी सरकार को अब कमर कस लेनी चाहिए, अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपने जो सपना दिखाया था जनता को सत्ता में आते हुए वो पूरे नहीं हो पाए, उस पर आप विफल साबित हुए। जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संविधान खतरे में है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है और देश के प्रधानमंत्री बहुमत की सरकार बना रहे हैं। असल में देश के प्रधानमंत्री अपनी हार स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मोदी सरकार को 400 पार सीट के साथ साथ उनकी वाराणसी की सीट भी खतरे में आ गई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।